मेरा सर एक चीज़ कहना है कि BSL सिर्फ अनऑथोराइज बुकिंग बंद कर दे, कनेक्शन बंद कर दे, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा माने बिजली रेट बढ़ाने का। लेकिन सबसे मेजर है कि उनको कॉन्वेंस से ही ये सब काम होता है और बिजली का ही कनेक्शन मिल लेते हैं और उसका लोड हम लोग पर डालना चाहते हैं, इसका हम लोग विरोध किए हैं। हम लोग अपना विचार व्यक्त किए, आशा है कि नियामक द्वारा या BSL के द्वारा बिजली रेट नहीं बढ़े। हम लोग बिजली बिल नहीं बढ़ाने के लिए विरोध किए हैं। एक गुमटी लग रहा शटर वाला, एक गुमटी का इनको रेंट जो है इलीगल तरीके से 12-14 हज़ार रुपये, ठेला का ये जो है रेंट, ठेले का रेंट जो है वो 600 रुपये डेली आता है और हमारे यहाँ 10 हज़ार रुपये रेंट है बढ़िया दुकान का, और ठेला जो है 1236 हज़ार रुपये रेंट ठेला वाला देता है इलीगल तरीके से, जो कैप्चर करके यहाँ रह रहा है और वो बिजनेस कर रहा है इलीगल। हम लोग लीगल तरीके से रह रहे हैं, सारा हमारा लॉस भी हमारे ऊपर है, सारा चीज़ हमारे ऊपर है और नियामक आयोग का जो भी निर्णय होता है इनके लिए कोई फाउंडेशन नहीं, कोई बात नहीं है सर। इनके लिए जो भी निर्णय आता हमारे लिए भी बातें हो, हम भी अगर उसको मानने के लिए बातें हैं तो इनको ही बातें किया जाए सर। सर वी हैव फीडर ऑगमेंटेड एसटी केबल्स, 35 किलोमीटर्स एसटी केबल्स हैव बीन रिप्लेस्ड चार्ज बिफोर टाइम सर, 4 मंथ प्रोजेक्ट को बिफोर टाइम किया, ये भी ने ट्रेमेंडस वर्क किया है सर उसको लाने के लिए, जिस टाइम वोल्टेज स्टेबिलिटी आई है सर। हमने 20 ट्रांसफार्मर्स अभी खरीद के इंस्टॉल कर दिया है सर, 60 मोर ट्रांसफार्मर्स इन दी पाइपलाइन, 60 पैनल्स इन दी पाइपलाइन, 35 न्यू सबस्टेशन इन दी पाइपलाइन सर। शहर बड़ा है, कार्यरत हम लोग कर रहे हैं, अभी वी होप टू ब्रिंग क्वालिटी पावर ईच एंड एवरी वन। दूसरा क्या है कि ये जो लाइन लॉस वाला विषय, लाइन लॉस वाला विषय बहुत सेंसिटिव विषय है। आप बताइए कि लाइन लॉस जो है वो 37% 35% तो एक दिन में तब हुआ नहीं है, उसको तो होने में समय लगा है। तो उस समय जब लाइन लॉस बढ़ रहा था उस समय क्या कर रही थी कंपनी हमारी, तो हमारी कंपनी ने जब उस समय कुछ किया नहीं, आज लाइन लॉस बढ़ता जा रहा है। अभी ठीक है, कुछ दिनों से जब लोगों ने इस पर विरोध करना चालू किया है तो लाइन लॉस कम होना शुरू हुआ है, फिर भी जो राष्ट्रीय मानक है लोक उपक्रमों के लिए जो निर्धारित है वो जहाँ तक हमको याद है कि 14% से 15% नहीं होना है। आप सोचें कि 14% से 15% की तुलना में हमारा लाइन लॉस कितना अधिक है, और इसके लिए सोलिली रिस्पॉन्सिबल कोई बॉडी है तो वो है हमारी ग्राहकों का या जनरल पब्लिक का। जो दायित्व होता है वो केवल मोरल दायित्व होता है, मोरली चाहे तो आपको सूचित करके मदद कर सकते हैं और करना चाहिए, लेकिन लीगल दायित्व कंपनी की होती है। लीगल दायित्व आपका है, ये आपका काम है कि कहीं चोरी हो रही है तो आप रोकिए, किन्हीं के घर के सामने हो चाहे दूर में हो उसको रोकना आप ही को है, ये आपका लीगल दायित्व है। और जब भी आप बंधे हुए इससे नहीं है, लेकिन कंपनी इससे बंधी हुई है कि चोरी चाहे जैसे भी हो रही है उसको रोकना हमारा दायित्व है, कंपनी की दायित्व है। I think as a citizen, और ये CRPC में भी है कि आपके सामने कोई ऑफेंस हो रहा है तो उसकी आप शिकायत किसी आदमी को कहिए कीजिए, जो उसका वो करे एक्शन ले। तो ये कह देना कि नहीं आपकी का ड्यूटी है, आपके सामने आपके घर में वो देख रहे हो आदमी चोरी कर रहा है जिससे आप ही को नहीं नुकसान हो रहा है, सारे कंज्यूमर्स को हो रहा है, आप पॉइंट आउट कीजिए। अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं तब आप बोलिए कि नहीं ये लोग कंफ्यूजन में हैं, ये लोग एनकरेज कर रहे हैं। और जैसा मिस्टर राजू ने कहा कि आपकी जो समस्याएं हैं प्लीज गो टू इस ऑफिस, वहाँ बैठ के आप पॉइंट आउट कीजिए एंड दे विल लुक इनटू इट।